नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। शनिवार को एक दिवसीय प्रवास पर कटनी पहुंची मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कटनी प्रभारी संगीता सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार बनाने महिला कांग्रेस एकजुट है। उन्होंने कहा कि वार्ड स्तर से लेकर बूथ तक आगामी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संगीता सिंह ने बताया कि बूथ लेवल में दो महिलाओं की नियुक्ति की जाएगी। सिविल लाइन रेस्ट हाउस में कटनी महिला शहर व ग्रामीण महिला कांग्रेस इकाई ने प्रभारी संगीता सिंह का स्वागत किया। शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती रजनी वर्मा ने संगठन की गतिविधियों से उन्हें अवगत कराया। आगामी समय में कटनी कांग्रेस की महिला इकाई ने चुनाव में बूथ से लेकर मतदाताओं तक पैठ बनाने और 2023 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सरकार बनाने रणनीति बनाई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश और उल्लासपूर्वक कार्य करने जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ाव हेतु मुद्दों पर चर्चा बैठक में हुई। ब्लॉक स्तर के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हुए और कमलनाथ सरकार बनाने के लिए कमर कसी। जन जन तक कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के आह्वान के साथ सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में कार्य करेंगे, इसका आश्वासन इकाई प्रमुखों ने दिया। कि हम 50% क्यों नहीं, 50% घर में क्यों छोड़ के आए? वो समय हमें चुनाव लड़ना है। 50% हमारी बहनें हैं और 50% में हमारे भाई हैं, तो भाई अकेले क्यों, बहनें उनके साथ। तो सबसे पहले तो मैं मिथिलेश भैया से ये बात कहना चाहूँगा, हमारे समक्ष जो मीडिया के हमारे भाई बैठे हुए हैं, जिनके माध्यम से हमारी आवाज जन जन तक पहुँचेगी, तो उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन कर रही हूँ, सभी बहनों का कर रही हूँ, मेरे सभी भाइयों का और सबका अभिनंदन करते हुए मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि हमारे जिला अध्यक्ष दोनों भाइयों ने अति महत्वपूर्ण बातें आपके सामने बताई। कभी कभी बात छोटी सी लगती सुनने में। जरूर बोलना चाहूंगी, आज हमारी महिला कांग्रेस की कटनी प्रभारी संगीता दीदी यहाँ आई हुई है, जो निश्चित रूप से बहुत अनुभवी हैं, जिन्हें राजनीति का बहुत पुराना अनुभव है, और आज इनके सानिध्य में हम सब यहाँ पे कलेक्ट हुए हैं और इनके जो भी मार्गदर्शन होगा उस पर हमें काम करना है। और महिलाएं निश्चित रूप से जो आप देख रहे हैं, जिनको अभी आपने बोला, ये महिलाएं हमारी नई महिलाएं हैं जो जुड़ती जा रही हैं, क्योंकि आज सिर्फ संगठन की जो कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी वालों की बैठक थी, इसलिए आपको महिलाएं कम दिख रही हैं। कांग्रेस में महिलाओं की कमी बिल्कुल नहीं है और ये आप खुद भी जानते हैं, आपने भी कई बार ये चीज़ देखी है कि महिलाओं का संगठन हमारा बहुत मजबूत है। एक्चुअली आज सिर्फ कार्यकारिणी की बैठक है, तो कार्यकारिणी के कारण शायद आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे उसमें महिलाएं कम हैं, अन्यथा हमारी कांग्रेस की महिलाएं बहुत जुझारू हैं और निश्चित रूप से ये आगे बढ़ के अब कांग्रेस का ही हम परचम लहराएंगे। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विभा पटेल जी, उन्होंने मुझे आपके कटनी के जिला प्रभारी बनाया हुआ है महिला कांग्रेस का। तो निश्चित तौर पे हमारा, मेरा सिर्फ उद्देश्य यह है कि कांग्रेस की जो महिला कांग्रेस है उसको मजबूत करना, उस संगठन का विस्तार करवाना, और जहाँ जहाँ तक हमारी, जैसे ब्लॉक लेवल पे, वार्ड लेवल पे, बूथ लेवल तक मैं महिलाओं को लेके हमको जाना है और बढ़ाना है, संगठन को बड़ा करना है। और अग्नि 2023 में जो हमारी विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस को मजबूत करना, कांग्रेस को जिताना, ये हमारा लक्ष्य उद्देश्य है। इसी को लेके हमने आज मीटिंग यहाँ पर रखी हुई है और सारी महिलाओं से, ये तो हमारा पहला नगर आगमन है इसलिए पहली बार मुलाकात हो रही है। निश्चित तौर पर आप लोग देखेंगे धीरे धीरे हमारी महिलाओं में और आपको और बढ़ोतरी दिखेगी। हमारी दोनों अध्यक्ष जो हैं, रजनी जी, माधवी जी, दोनों जुझारू हैं और निश्चित तौर पे उनको एक सहयोग की जरूरत, सपोर्ट की जरूरत है, इसके लिए मैं आई हुई हूँ और मैं इन लोगों को अपनी पूरी ताकत दूंगी और ऊपर प्रदेश लेवल पे भी उनको पूरी ताकत मिलेगी, साथ ही उनको मैं प्रोत्साहित करूंगी, साथ में उनके साथ सहयोग करूंगी। जो भी आंदोलन होंगे, जो भी कार्यक्रम होंगे, उनमें हम लोग भाग लेंगे और अधिक से अधिक मजबूती के साथ महिला कांग्रेस को उतारेंगे आगामी विधानसभा में। नहीं, देखने में आता है कि भाजपा महिला मोर्चा जिस तरह से विरोध प्रदर्शित करता है रोड पे आके, या उनकी महिलाएं एक आवाज़ में इकट्ठी हो जाती हैं, आज भी देखने को मिल रहा है कि आपके संगठन की उतनी महिलाएं इकट्ठी नहीं हो पाई हैं जितनी होना चाहिए, इसका कोई विशेष कारण? नहीं, विशेष कारण तो खैर कुछ नहीं है ऐसा आपको लगता है, लेकिन हमारे यहाँ महिलाएं आएंगी और आती हैं और अब जब आंदोलन होंगे तो आप लोग देखना, लेकिन ये तो आप इस बात को नहीं नकार सकते कि सत्ता की तरफ लोगों का आकर्षण ज़्यादा होता है। अब चूंकि 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसके बाद आप ये मान सकते हैं कि महिलाओं का भाई कुछ आरक्षण, आपने एक आकर्षण हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी कहीं से
कमजोर आपको दिख रही है संगठन? मैंने ये माना जाएगा अगर आप सत्ता में आ गई तो महिलाएं अधिक संख्या में जुड़ेंगी। वो तो आप, ये तो आप समझ लीजिए कि जुड़ती ही हैं, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो। एक ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्थायी जो हैं, वो तो हैं स्थायी अपनी जगह, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सत्ता की तरफ जाते हैं, तो उनको हम इस लेवल पर नहीं लेते। हम तो ये जानते हैं कि हमें अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाना है, जो बहुत सी ऐसी हैं हम उनको ला नहीं पा रहे, जोड़ नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस से बहुत लोग अपने आप में ये समझ लीजिए कि उनके कांग्रेस के प्रति लगाव है उनका, और वो निश्चित तौर से जुड़ेंगे, हम लोग जुड़ेंगे जरूर उनको। एक आखिरी सवाल हो, आपकी महिला कांग्रेस में भी गुटबाजी देखने को मिल रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? अब मैं देखूंगी, अभी तो मैं पहली बार आई हूँ, मुझे तो ऐसा कुछ समझ में आया नहीं, जब ऐसा लगेगा तो सुधारने की कोशिश जरूर करेंगे। आपकी महिला जिला कांग्रेस अध्यक्ष